फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब स्टडी। मैंने आपको पहले पार्ट में त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या के बारे में बताया था, वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए मैं पार्ट टू लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या के बारे में ही बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था पाइथागोरस प्रमेय से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कई सारे ऐसे कॉम्पिटिशंस होते हैं या फिर बोर्ड के एग्जाम होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आ जाते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो दोस्तों, हमें पहला त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या का जो ज्ञात हुआ था cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी सर्वसंख्या से हम दो और ज्ञात कर सकते हैं, वो cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में प्राप्त होगा जब हम यहाँ प्लस साइन स्क्वायर थीटा को आरएचएस साइड में पक्षांतर करेंगे। ये प्लस है, आरएचएस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप आरएचएस साइड में पक्षांतर कर दो तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो पहला त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या है वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या के बारे में जानते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आपको लंब स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देना पड़ेगा। जब आप भाग देंगे तो आपको मिलेगा कर्ण स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। कर्ण बटे लंब बराबर होता है कोसेक थीटा, तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग है और लंब का वर्ग है, इसलिए कोसेक का वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि ये भाग के रूप में है, एक बचेगा प्लस है प्लस आधार स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आधार बटे लंब बराबर होता है कॉट थीटा, इन दोनों का वर्ग है इसलिए कॉट का वर्ग हो जाएगा, मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको दूसरा त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या मिला कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि हमने पाइथागोरस प्रमेय से दूसरे त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या को ज्ञात किया, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसकी सहायता से हम दो और सर्वसंख्या के बारे में जानेंगे। अगर हम प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को एलएचएस साइड में पक्षांतर कर देंगे तो हमें मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद अगर कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो आप एक को एलएचएस साइड में पक्षांतर कर दो तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपको मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से हम दो त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या के बारे में जानते हैं। ये हमारा फाइनल त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहले हमने क्या किया, कर्ण स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग किया, तो मैं पहला त्रिकोणमितीय। तो दोस्तों, जो फाइनल त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या है उसको ज्ञात करने के लिए हमें आधार स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग करना होगा। तो जब आप भाग करेंगे तो आपको मिलेगा कर्ण का वर्ग बटे आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बटे आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बटे आधार का वर्ग। ठीक, तो आप यहाँ देखिए कर्ण स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर है, तो आप जानते हो कर्ण बटे आधार बराबर होता है sec थीटा, इन दोनों का वर्ग है तो sec थीटा का भी वर्ग हो जाएगा तो मिलेगा आपको sec स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटे आधार, यहाँ लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर है, लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा, इन दोनों का वर्ग है तो tan का भी वर्ग हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस प्लस ये आधार का वर्ग बटे आधार का वर्ग भाग के रूप में है, कटेगा एक बचेगा तो हमें फाइनल त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या मिल जाएगा sec स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हमने तीसरा त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या ज्ञात कर लिया है sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमें दो और त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या ज्ञात हो जाएगा, वो क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमें कब प्राप्त होगा, जब प्लस tan स्क्वायर थीटा को LHS साइड में पक्षांतर करेंगे तब। ये प्लस है, जैसे ही LHS साइड में आएगा माइनस हो जाएगा तो हमें मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद हमें tan स्क्वायर थीटा का सर्वसंख्या ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा जहां पे है वहीं रखिए प्लस
वन प्लस वन को आप एलएचएस साइड में पचहत्तर कर दीजिए तो आपको मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको त्रिकोणमिति सरसमिका के बारे में बताया था तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आइए इनके बारे में जानते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था पहले ही त्रिकोणमिति सरसमिका के पहले ही त्रिकोणमिति सरसमिका में कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर इसमें से साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछे तो क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछे तो क्या करना है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के बारे में पूछ रहा है तो चलिए जहां साइन स्क्वायर थीटा है बिल्कुल उसे वही रहने देते हैं, बस कॉस स्क्वायर थीटा को आरएचएस साइड में पछांतर कर देंगे। तो वन माइनस, क्योंकि जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है, तो आपको ये तो पता ही होगा कि जब पछांतर होता है तो चिन्ह में परिवर्तन होता है। ये प्लस है, जैसे ही आरएचएस साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं, पहला ऑप्शन है वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है वन प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखा जाए तो सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। तो दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है sec स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर होता है, चार ऑप्शन दिया गया है, पहला cot स्क्वायर थीटा, दूसरा tan स्क्वायर थीटा, तीसरा cosec स्क्वायर थीटा और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या होता है। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था दूसरे त्रिकोणमितीय सरसमिका के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था। तो देखिए दूसरा त्रिकोणमितीय सरसमिका sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां पे क्वेश्चन क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां देखिए sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। अगर हम एक को LHS साइड में पक्षांतर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो यहां देखिए हमें मिला sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें बी वाला जो ऑप्शन है tan स्क्वायर थीटा वो सही होगा। उम्मीद करते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये फाइनल क्वेश्चन है cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है, आइए देखते हैं। आपको तीसरा त्रिकोणमिति सरसमिका याद होगा, उसमें मैंने आपको बताया था cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन यही है cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है, हमें मिला 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ऑप्शन में देखते हैं, ए ऑप्शन 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा, बी ऑप्शन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, बी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।